हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में। इसके लिए आपको 3 मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना होगा। पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑन योर आइडियाज। पॉइंट नंबर 2, ओवरकम योर फियर। अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स को ठीक से समझ लिया तो फिर पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना बहुत ही आसान है। पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑन योर आइडियाज। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि इस दुनिया में हम सब लोगों के पास कोई ना कोई फ्यूचर होता है। सबके पास कुछ गोल्स, कुछ अलग आइडियाज होते हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग ना अपने आइडियाज पर काम कर पाते हैं और ना ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि उस काम को शुरू करने से पहले नेगेटिव थॉट्स का आना। इसको ठीक से समझिए, जैसे हम अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसों की कमी महसूस होने लगती है। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास इक्विपमेंट्स की कमी है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम सब लोग अपनी लाइफ में ओनली नेगेटिव चीज़ों को फोकस करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों में ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर हमें बिजनेस करना है और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम एक्ट क्या करें? आप जहाँ पर भी हो, चाहे आप जैसी सिचुएशन में हो, वहीं से स्टार्ट कीजिए। एक छोटी सी स्टेप में काम करना चालू कीजिए, धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप ले और इसी तरह ग्रो करने का कोशिश कीजिए। एट फर्स्ट आप एक बड़ा स्टेप लेने का कोशिश मत कीजिए, एक छोटा स्टेप लीजिए, दूसरी बार फिर एक छोटा स्टेप लीजिए। इस छोटे छोटे स्टेप को कंपाउंडिंग करके आप एक बड़ी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोला जाता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोगों ने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं, उन सभी लोगों के पास स्टार्टिंग में कुछ न कुछ की कमी रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को एक छोटे तरीके से शुरू किया और छोटे छोटे कामों को कंपाउंडिंग करके इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर दिखाए। तो आपको भी यह समझना होगा कि आप जो अभी सोच रहे हैं, आपको जो काम इम्पॉसिबल लग रहा है, वो चीज कल पॉसिबल हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसमें फेल होते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप कंसिस्टेंटली उस पर कितना काम किए। अगर आप फेल हो गए तो आप दोबारा उस काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत करने से पहले ही आपने हार मान ली तो आप उस काम को कभी शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही हार मान चुके हैं। याद रखिए, फेल होने में और हार मानने में बहुत ज्यादा फर्क है। पॉइंट नंबर 2, ओवरकम योर फियर। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सब लोगों को एक डर सा महसूस होता है, कहीं हम इस काम में फेल तो नहीं हो जाएंगे। अगर मैं इस बिजनेस में पैसे लगाए, कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे इसे देखकर अगर मैं इस बिजनेस पे फेल हो गया। इस तरह का डर हम लोगों के मन में रहता है, और अगर आप इस डर को, इस फियर को ओवरकम कर लेंगे तो आप कोई भी काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। डर एक ऐसी चीज है जो आपको लिमिट में बांध कर रखती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर पास्ट में देखें तो कोई लोग अगर ये कहता है कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिससे आप एक जगह पर बैठकर दूसरे किसी देश में बात कर सकते हो, तो उस समय कोई भी इस बात को विश्वास नहीं करता। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है। हो सकता है उस समय लोगों को इस चीज पर विश्वास ना हो, लेकिन जिसने इसको बनाया उसको अपने आइडियाज पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कंसिस्टेंसी से इसके ऊपर काम किया। ऐसे ही बहुत सारी इन्वेंशंस जो आसपास आज भी आपके पास है। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज आते हैं तो सबसे पहले उस आदमी से बात कीजिए जिसको इस फील्ड में नॉलेज है। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप एक ऐसे आदमी से एडवाइस ले रहे हैं जो जॉब करता है, तो आपको उससे एडवाइस लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अच्छे बिजनेसमैन के इंटरव्यूज देखना चाहिए। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट से आगे बढ़ना होगा, और इस तरह से आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। डर एक ऐसी चीज है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने डर को किसी भी तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। अब इन दो पॉइंट्स के बेस पर समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स को आप अच्छे तरीके से अपने लिए यूज कर पाएंगे। सबसे पहले यह जानना होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स है क्या। इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एक बीज लगाते हैं। अब उस बीज को प्रॉपर पानी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए,
ये भी जरूरी है कि वो बीज एक अच्छी मिट्टी पर लगा हो। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसे सब चीज़ें प्रॉपर दे रहे हो और कल वो बीज एक पेड़ में बदल जाए या एक पौधे में बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक टाइम है, वो अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ लेगा। उसी तरह से आपका माइंडसेट अगर प्रॉपर हो और उसमें अगर कोई आइडियाज आए तो वो मिट्टी की तरह है, मतलब आपका माइंड एक मिट्टी की तरह है, इसलिए आपको कहा जाता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के जरिए उसको फिलअप कीजिए। जब आप अपने माइंडसेट में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो ये एक प्रॉपर मिट्टी की तरह है जहां आप बीज बोते हो। यहां पर बीज आपका वो आइडियाज है, आपका वो गोल है। अब आपको उसको अपने माइंडसेट में पकड़ कर रखना है। जब आपका माइंडसेट उसको पकड़ लेगा तब आपको उस पर प्रॉपर एक्शंस लेने हैं। उसके लिए प्रॉपर एनर्जी लगानी होगी, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। और यही सब चीज़ें हैं सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैंने बताया कि हर चीज़ में एक समय लगता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह से आपके माइंड में जो थॉट्स है, जो पॉजिटिव गोल्स है, उसको रियलिटी में आने के लिए समय लगेगा। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास पेशेंस हो। लोग अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हर दूसरे दिन सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, और लोग फिर इस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। और ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए कि आप एक बीज लगाएं और उस बीज को हर रोज निकाल कर देखें कि क्या बीज में कोई डिफरेंस आया, क्या ये बीज बड़ा हो रहा है, या कोई पेड़ या कोई पौधा निकल कर आ रहा है, तो आप उस बीज को खराब कर देंगे और अपना भी समय को बर्बाद कर देंगे। इसी तरह से जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं या जब आपके दिमाग में कोई आइडियाज आता है, तो आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स उसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा करेगा। आपका काम है कि उसको प्रॉपर थॉट्स देना, उस पर प्रॉपर एक्शंस लेना, प्रॉपर वाइब्रेशंस देना। और ये यूनिवर्स का काम है कि वो उनको आपके सामने कैसे लाता है। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर आपको वो दोनों पॉइंट्स जो मैंने पहले बताया उनको समझना होगा। एक, एक्ट ऑन योर आइडियाज। इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि आपके पास क्या है, वो चीज़ जो आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। नंबर टू, डर में मत रहिए, ओवरकम योर फियर। अगर आप डर में रहेंगे तो आप यूनिवर्स को ये शो कर रहे हैं, या आप चाहे जो भी पावर्स को मानते हैं उन्हें ये दिखा रहे हैं कि आपको उन पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपको अपने और उन पावर्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उसको आप यूनिवर्स या गॉड या भगवान कहो। अगर ये दो पॉइंट्स को आपने समझ लिया तो आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।